हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ गजानन मार्केट उल्लासनगर। ये उल्लासनगर का मार्केट है और एक होलसेल मार्केट है। आज तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए थे वो रिटेल मार्केट्स थे जो मुंबई के मैंने दिखाए। ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा अच्छा, सस्ता और होलसेल मार्केट है। तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा और सारा बताऊंगा, एड्रेस वगैरह कैसे जाना है, कहाँ से आते हो तो कहाँ पे जाना है, तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जितने शॉप्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दे सकता हूँ तो वो सब भी दूंगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता रहता हूँ। तो हम लोग अभी सीधा मार्केट में मिलते हैं, मैं आपको सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं। तो ये गजानन मार्केट उल्लासनगर में लोकेटेड है। गजानन मार्केट के जस्ट बाजू में एकदम फर्नीचर मार्केट है जो दो नंबर का है। उल्लासनगर दो नंबर का ही मार्केट है। ये वीडियो के बाद में ये फर्नीचर मार्केट का भी स्पेशल वीडियो प्राइस के साथ बना दूंगा। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल पे बाद में चेक कर सकते हो। बाकी आपको सारे मार्केट्स के वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ये सारे का प्राइस मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जो चौक है आपको सामने दिख रहा है फर्नीचर मार्केट के सीधे जाते ही, ये है गजानन मार्केट का नेहरू चौक। ये चौक मैंने एज अ उल्लासनगर दो नंबर। तो यहाँ पे आने के लिए आप करजत साइड से भी आ सकते हो, कल्याण साइड से भी आ सकते हो, या फिर आप शहाड साइड से भी आ सकते हो। तो आपको उल्लासनगर से ये 20 रुपीज़ पर पर्सन से शेयरिंग रिक्शा से ये चौक में छोड़ देंगे नेहरू चौक। शहाड स्टेशन से भी 15 से 20 रुपये मैक्सिमम लगता है और अंबरनाथ स्टेशन से ये रास्ते से आओगे तो उसका भी मैक्सिमम 30 to 40 रुपीज़ आपको लगेगा और डायरेक्टली कल्याण स्टेशन से 25 to 30 रुपीज़ आपको लगेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उल्लासनगर ही आओ, वहां से आप पैदल भी जा सकते हो। अभी मैं आपको जो दुकान में कलेक्शन अवेलेबल होता है उनकी प्राइजेस के साथ, प्राइस टैग के साथ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप प्राइस भी देख सकते हो और जो यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा का सारा आपको देख सकते हो। आज मैं आपको जो रेट दिखा रहा हूँ, जो ये रेट लिखे हुए हैं, ये रिटेल के रेट है, ये होलसेल के रेट नहीं है। लेकिन आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो वो आप होलसेल में भी बाय कर सकते हो या फिर इसी दुकान के जो भी शॉपकीपर होते हैं उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्टली जो रिटेल के रेट से वो रेट में बता रहा हूँ और जो नॉर्मल चीज़ें रोड साइड लगी हुई रहती वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। होलसेल का स्पेशली ब्लॉग में बाद में बनाऊँगा, लेकिन आप सोच सकते हो कि रिटेल रेट इतने सस्ते में है तो इसका होलसेल रेट में क्या होगा। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो डायरेक्टली शॉपकीपर को, होलसेल शॉपकीपर्स जो भी होते हैं उनको कांटेक्ट करो, किसी एजेंट के थ्रू मत आओ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जीन्स, टी शर्ट और लेडीज़ ड्रेसेस, टॉप्स, सब गाउन्स वगैरह सब यहाँ पे बनाया जाता है और ये पर्सेस, बैग्स भी यहाँ पे बनाई जाती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, आपको एजेंट के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है और एजेंट को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पैसा आपको यहाँ पे बच जाएगा अगर आप होलसेल में लेना चाहते हो तो। तो नेहरू चौक से गोल मैदान के साइड आते समय ये जो राइट साइड में गली है ये होलसेल की गली है, यहाँ पे अंदर आप एंटर कर सकते हो। आज जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन ट्यूसडे है और मंगलवार है और दोपहर का टाइम है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, वरना बाकी टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो ये स्टार्टिंग दुकान है, ये गली में आप जैसे ही ये लहंगा शॉप के अंदर एंट्री करोगे तो यहाँ से पूरी होलसेल की शॉप चालू हो जाती है। और आप एक याद रखना कि यहाँ पे ट्यूसडे के दिन मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि होलसेल की सारी दुकानें 99% सब बंद रहती है, ओनली रिटेल कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं और रिटेल शॉपिंग चलती रहती है, उसमें भी कुछ शॉप्स बंद होती है। तो यहाँ पे आपको छोटे बच्चों के कपड़े और लेडीज़ जेंट्स के दोनों के लिए कपड़े, ड्रेसेस, लहंगा, जो भी मतलब जो भी हम लोग वेयर करते हैं वो, चप्पल्स वगैरह भी, शूज़ वगैरह भी, सारा का सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर आप शादी के लिए शॉपिंग करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में से बहुत लोग स्पेशल गाड़ी करके आते हैं। मैं बहुत ही जल्द पूरी डिटेल वीडियो प्राइस के साथ भी बनाऊंगा, जो होलसेल के प्राइस होते हैं वो वीडियोस भी मेरे चैनल पे आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगर मेरा किसी शॉपकीपर से कनेक्शन बनता है और उससे डायरेक्टली मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ तो अगर मुझे अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप अभी जहाँ पे भी रहते हो तो लगभग सब जगह पे यहाँ का ही माल होता है, यहाँ के ही कपड़े होते हैं, यहाँ से ही सब ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कार्ड मैंने आपके लिए मंगवाया था, ये कॉन्टैक्ट नंबर और कार्ड है इनके, आप देख सकते हो ये लहंगा एंड सारी ये लोग बेचते हैं, तो इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, होलसेल में भी आपको मिल जाएगा। अंकल इनका प्राइस रेंज बता दो ना, नॉर्मल देने का एकदम भाव 1500 और इसका 2500 स्टार्टिंग।
ये रेट विदाउट बार्गेनिंग है, इसमें आप बार्गेन कर सकते हो और ओनली ये रिटेल के रेट है, तो होलसेल के रेट बहुत ज्यादा कम है। आप यहाँ पे आओ, आपको समझ जाएगा। होलसेल में भी चाहिए तो कार्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर आप होलसेल में कुछ चीज़ लेना चाहते हो या फिर कुछ लेते हो तो आपको हर जगह रेट्स अलग अलग मिलेंगे, हर जगह प्राइस अलग अलग होता है, जिस हिसाब से कस्टमर जितने पीसेस लेता है, जितना माल लेता है। अगर आप ज़्यादा माल ले रहे हो, ज़्यादा लॉट में पूरा का पूरा एक साथ लेके जा रहे हो, तो आपको होलसेल में भी कम प्राइस में मिल सकता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है, आप किसी भी दुकान से लो, किसी भी शॉप वाले से कुछ भी जो भी लेते हो वो सारा का सारा आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपने सिटी में। या फिर आप कभी एक बार यहाँ पे विजिट करते हो, शॉपकीपर से आपके अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। बस आपको प्रोडक्ट बताना है तो वो आप लोग को ऑनलाइन एड्रेस पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, उसके थोड़े बहुत चार्जेस आपको ऊपर से देने पड़ते हैं। तो ये गली के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो बहुत अंदर तक गली है, आपको समझेगा भी नहीं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी शॉप पे लेने से पहले आप पूरा मार्केट घूमो, हर जगह रेट चेक करो, और ज़्यादा बाहर से लेने की ट्राई मत करना। आप मार्केट के अंदर घुसो, अंदर बहुत शॉप्स है, आप अपने जिस जगह पे सोचा भी नहीं होगा उस जगह भी आपको शॉप्स नज़र आएंगे, और वो लोग उनकी कम प्राइस में बेचते हैं। तो आप पूरा मार्केट पहले एक्सप्लोर करो, उसके बाद ही डिसाइड करो। ये सब मैं आप लोग को बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बिज़नेस में प्रॉफिट हो सकता है। अगर सच में बड़ा बिज़नेस करते हो तो आपको एक एक दो दो रुपये से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है प्राइस रेंज में। यहाँ से जो माल होता है वो दुबई तक भी जाता है, और कुछ लोग दुबई जाके शॉपिंग करते और यहाँ से जाते दुबई, और दुबई से यहाँ का माल शॉपिंग करके यहाँ पे ही लाते हैं रिटर्न। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे गली कैसी है अंदर, जितना अंदर जाओगे वो गली कितनी छोटी और वहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो आप सब देख लो और चेक कर सकते हो। ये सब रिटेल का है, लेकिन अंदर जाओगे तो होलसेल के भी शॉप्स है, और इसके ऊपर भी अलग अलग शॉप्स है, आप साइड से सीढ़ी चढ़ के जा सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स यहाँ पे जो है वो सिंधी है, ऐसी सीढ़ियाँ रहती है, आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे जो कस्टमर लोग के साथ बात करने का तरीका है, ये पूरे मार्केट में मोस्टली उल्लासनगर में वो सिंधी लोग बहुत अच्छे से करते हैं। वो शॉपकीपर्स आपके साथ एकदम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो जैसे हम अंदर से गली से आए, तो ये जगह आप अगर स्ट्रेट जाओगे तो वही नेहरू चौक रिटर्न से आ जाता है, तो आप समझ गए होंगे। तो एक पूरा हम लोग सर्कल मार के आए, और उसके बाद ये भी रोड है जो आगे जाता है। यहाँ पे मंगलवार के दिन शाम को बस छोटा सा एक मार्केट लगता है। भाई कितने का ये? 180 का दो है। 180 का? दो पीस है। दो पीस? जो सस्ती शॉपिंग होती है चीप प्राइस में वो शॉपिंग कर सकते हो। 5-6 बजे ये मार्केट लगना चालू हो जाता है, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है। और यहाँ पे एनी रिंग ओनली 10 रुपये में थी। 10 रुपये में आजकल क्या मिलता है, लेकिन कौन सी भी रिंग लो 10 रुपये में। ये भाई 100 रुपये जोड़ी, 200 का चार है। ये 200 में चार है। 200 में चार है। तो मोस्टली ये मार्केट में भी क्या क्या लगता है वो मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूँ कि देख सकते हो आप जो भी है। लेकिन यही मार्केट के शॉप के जो रेट्स होते हैं रिटेल के, वो इस मार्केट से ज़्यादा होते हैं। ये मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा ओनली ट्यूसडे को और शाम को 5 या 6 बजे के बाद, रात को 10 बजे तक ये मार्केट चालू रहता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी वो अगर आपको अच्छी लगती है और ट्रस्टेबल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे वीडियोस मैं हमेशा बनाते रहता हूँ, तो आप सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हो, मार्केट के बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी फर्नीचर मार्केट का भी वीडियो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, तो चेक कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।